हाय फ्रेंड्स, मैं आरती। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका 507 कोर्स से है, समाज और शिक्षा से। शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, लघु उत्तरी है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और ये H2 है, यानी कि फर्स्ट जो पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड है, डला हुआ है, तो प्लीज़ आप वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूंगी। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि रिश्तों से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीयक रिश्तों की चर्चा उदाहरण सहित करें। जब मैंने ये लेसन आपको समझाया था, चैप्टर लेक्चर दिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक जो रिश्ते होते हैं वो क्या कहलाते हैं। समाज रिश्तों का एक नेटवर्क है और ये रिश्ते मानवीय व्यवहार और समाज की विभिन्न संस्थाओं को समझने के लिए मूलाधार है। आपको अपने परिवार, समुदाय और समाज के विभिन्न प्रकार के रिश्तों के बारे में अवश्य जागरूक होना चाहिए। और परिवार के अंतर्गत माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बहन जैसे रिश्ते होते हैं जिन्हें हम प्राथमिक रिश्तों के अंतर्गत रखते हैं जबकि चाचा चाची, भतीजी भतीजा द्वितीयक रिश्तेदार कहलाते हैं। और दोस्तों, पड़ोसी रिश्तों और अन्य समान रिश्ते जैसे तृतीयक रिश्तेदार भी होते हैं। ये सामाजिक रिश्ते समाज में भूमिका और रिश्ते से समझे जा सकते हैं। तो चलिए, इसे आपको अपने शब्दों में कैसे लिखना है, तो आपको स्टार्टिंग यहीं से करनी है कि समाज जो है वो रिश्तों का एक नेटवर्क है। हम चारों तरफ से रिश्तों से बंधे हुए हैं। रिश्ते मानवीय व्यवहार और समाज की जो विभिन्न संस्थाएं होती हैं उनको समझने का एक आधार होता है। और हमने अपने आप को समाज, परिवार, समुदाय, विभिन्न प्रकार के रिश्तों के बारे में जानते हैं और चारों तरफ से इससे बंधे हुए हैं। अब यहाँ पे जो तीन रिश्ते पूछे गए हैं वो है कि जैसे एक हो गया परिवार, ठीक है ना, पहला रिश्ता हो गया, प्राथमिक रिश्ता हो गया जिसे हम परिवार कहते हैं। आप लिख दीजिए प्राथमिक रिश्ता, फिर एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिए कि परिवार, परिवार के अंतर्गत जैसे माता पिता, बेटा बेटी, पत्नी, पति पत्नी, भाई बहन, यानी एक फैमिली जो होती है वो आती है, एक फैमिली जो है प्राथमिक रिश्ते के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। अब जैसे कि दूसरा जो रिश्ता होता है यानी द्वितीयक रिश्ते, उसके अंतर्गत जैसे कि हमारे जो कजिन्स लोग होते हैं, चाचा चाची हो गए, भतीजा भतीजी हो गए, यानी मेरे जो फादर के, मेरे पिता से जुड़े हुए जो लोग हैं वो द्वितीयक रिश्तेदार के अंतर्गत आते हैं। चाचा चाची, ताऊ ताया, इस तरह के लोग जो होते हैं, दादा दादी, इस तरह के लोग किस रिश्ते के अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक रिश्ते के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा भी और रिश्ते होते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं तो अगल बगल से भी रिश्ते बन जाते हैं, ठीक है। तो दोस्त जो हमारे फ्रेंड्स हो गए, जो हमारे अगल बगल में रहते हैं, पड़ोसी हैं जो वो रहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत दूर के कुछ रिश्ते होते हैं जो रिलेशंस रिश्ते से जुड़ा होता है, लॉन्ग होता है, बहुत दूर का होता है, ऐसे लोग तृतीयक रिश्तेदार के रूप में आते हैं। तो सामाजिक रिश्ते समाज की भूमिका उसको समझे जा सकते हैं। तो इस तरह से एक्सप्लेन करके आप इसको लिख सकते हैं। तीन टॉपिक बना लीजिए, प्राथमिक रिश्ते यानी परिवार, उसके अंतर्गत कौन आता है एक्सप्लेन कर दीजिए, द्वितीयक रिश्ते यानी कजिन्स, चाचा चाची, ये सब लोग, तृतीयक जो रिश्ते जो होते हैं फ्रेंड्स एंड जो अगल बगल पड़ोस के लोग रहने वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि मानदंड और मूल्य, सामूहिक अंतःकरण और किसी भी समाज के अलिखित संविधान, चर्चा करिए। मानदंड और मूल्य जो होते हैं, सामूहिक अंतःकरण और किसी भी समाज के अलिखित संविधान है। भूमिका एक व्यक्ति की क्रियाओं का समुच्चय है और एक शिक्षक विद्यालय में शिक्षण, मूल्यांकन, कक्षा कक्ष में सामूहिक गतिविधि से संबंधित विविध कार्य तथा विद्यालय प्रशासन से संबंध कार्यों का निष्पादन करता है और इस प्रकार दैनिक जीवन में एक व्यक्ति बहुसंख्य भूमिकाओं का निष्पादन करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए पिता, अपने अभिभावकों के लिए बेटा, अपनी पत्नी के लिए पति और अपने सहोदरों के लिए भाई, अपने विद्यार्थियों के लिए शिक्षक तथा अन्य दूसरी भूमिकाओं को निभाता है। और यह दिखाता है कि बदलते सामाजिक संदर्भ के साथ भूमिका बदल रही है और प्रत्येक भूमिका समाज में निश्चित स्थिति के साथ जुड़ी है, जो सामाजिक स्थिति कहलाती है। भूमिका और स्थिति दोनों समाज के निश्चित मापदंडों एवं मूल्यों से संचालित होती है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानदंड और मूल, सामूहिक अंतःकरण और किसी भी समाज के अलिखित संविधान, जो समाज के सदस्यों के बीच विस्तृत रूप से जाने जाते हैं। अच्छा, अब ये मानदंड और मूल, सामूहिक अंतःकरण क्या है? देखिए, ये एक समाज से संबंधित है और आपको पता है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस समुदाय में रहते हैं, समाज अलग अलग होते हैं, समुदाय अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनको मानने वाले, उनको रहने वाले अलग अलग होते हैं। हर एक धर्म का अपने, हर एक संप्रदाय का अलग समाज, अलग समूह होता है। तो यदि हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय का अलग समाज, अलग समूह है, तो उनका जो मानदंड है यानी उनका जो मूल है, उनकी जो संस्कृति है वो भी अलग होगी और उस मूल, उस संस्कृति के अंतर्गत जो बातें हैं वो भी अलग हैं और उससे संबंधित जो भी दंड या जो भी
पुरस्कार यानी कि जो भी सजा है वो भी अलग अलग होंगी। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक व्यक्ति से। एक व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहते हुए बहुत सारी भूमिकाएं उसे निभानी पड़ती हैं, क्योंकि समाज में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं। शिक्षा हो गई, समाज हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, राजनीति हो गई, क्या हो गई, संस्थाएं हो गई। अब व्यक्ति इनमें रह रहा है और इनके साथ साथ उसके बहुत सारे रिश्ते होते हैं। यदि एक वो फादर है तो एक अपने पिता की भूमिका अपने बेटे के साथ निभाता है, अपनी बेटी के साथ निभाना पड़ता है, अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ। यदि वो जॉब कर रहा है, सर्विस में है, टीचर है, तो छात्रों के साथ। यदि अदर कहीं जॉब कर रहा है तो वहाँ पर। तो एक व्यक्ति की जो भूमिका होती है बहुत रूपों में देखी जाती है, बहुत अलग तरीकों में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग भूमिकाएं वो निभाता है। उस भूमिका को हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो भूमिका है वो रिश्ते से जुड़ी हुई है। हर एक रिश्ता उस व्यक्ति के साथ है और वो जो रिश्ता है वो किससे जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है। इसलिए सामाजिक संदर्भ के साथ जो भूमिका है वो बदलती रहती है और प्रत्येक जो भूमिका है समाज में निश्चित स्थिति के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक स्थिति कहते हैं। और हर समाज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके अपने मूल और अपने मानदंड होते हैं जो कहीं भी लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनको मानना जरूरी होता है। क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति वे समाज के पारस्परिक संबंधों की चर्चा करें, यानी व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों की आपको चर्चा करना है। तो प्रत्येक व्यक्ति एक समाज या दूसरे समाज का एक सदस्य है और समाज के एक सदस्य के रूप में आपको समाज की विभिन्न संस्थाओं के प्रति अवश्य जागरूक होना चाहिए, जो समुदाय के प्रति सार्थक योगदान देती है। समाज सामाजिक संबंध और इसकी गतिकी को समझने को जानना प्रासंगिक है और सामाजिक संस्था मानव व्यवहार के विविध पहलुओं में प्रयुक्त मानदंडों के एक समुच्चय का निर्देश देती है। समाज के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए, व्यक्ति तभी एक व्यक्ति बन पाता है या फिर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी समाज की वजह से ही बन पाता है। जन्म तो हर एक व्यक्ति लेता है, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो समाज निभाती है। जिस व्यक्ति के यहाँ का समाज जैसा होगा वो व्यक्ति वैसा ही पलेगा, वैसा ही बढ़ेगा और वैसे ही मानदंडों का अनुसरण करेगा, वैसे ही मूल्य उसे मिलेंगे। हर एक समाज के अपने अलग मूल्य होते हैं, अलग विरासत उनकी होती है। उनको विरासत से जो कुछ मिलता है उसी का आगे वो क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं उसको, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो सेम यहाँ पे भी है कि जो समाज होता है सामाजिक रिश्तों को चलाने के लिए, ठीक है ना, किसी भी चीज़ की स्वीकृति देने के लिए जो होता है एक नियंत्रण का काम करता है। समाज व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण रखता है ताकि व्यक्ति कोई गलत काम ना करे। जो समाज के मूल्य हैं, जो समाज के मानदंड बनाए गए हैं, जो समाज की संस्कृति है उसी के अंदर रह के वो काम करे। परिवार, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति जैसी कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो एक विशेष समाज के मानदंड एवं मूल्य का अनुसरण करते हुए विभिन्न भूमिकाएं निभाती हैं। ठीक है, तो मानव और समाज का जो संबंध है बहुत गहरा है, हम सभी को पता है। एक दूसरे के बगैर ये अधूरे है। बिना मानव के, यानी मानव के बगैर समाज नहीं बनता है, समाज मानव से ही बनता है और बिना समाज के मानव रह नहीं सकता है, क्योंकि उसकी हर एक आवश्यकताएं जो होती हैं समाज से पूरी होती हैं। समाज का मतलब होता है एक जिस दायरे में आप रहते हैं, आपका परिवार, आपके अगल बगल, आपके पड़ोसी, इन्हीं से एक समाज बन जाता है। ठीक है, तो हर एक वक्त किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत हमें समाज से पड़ती रहती है और समाज भी अपनी भूमिका जो है अच्छी बखूबी तरह से जानता है और उसको निभाता है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है। यहाँ पे कुछ जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म वगैरह दी हुई है और व्यवस्था, राजनीति दी हुई है, जो प्रमुख संस्थाएं हैं। ठीक है, जो समाज के अंतर्गत ही रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिवार समाज की एक मौलिक इकाई है, परिवार को ही प्रथम विद्यालय क्यों कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार पहला विद्यालय है जहाँ बच्चे अपना प्रारंभिक अधिगम शुरू करते हैं और जो बच्चे किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं वो परिवार से ही करते हैं। शिक्षक की भूमिका माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य निभाते हैं स्टार्टिंग में, जब तक कि बच्चा स्कूल नहीं जाता है। औपचारिक विद्यालय प्रणाली में विभिन्न भूमिकाएं, जैसे शिक्षक हो गए, छात्र हो गए, माता पिता, समाज के सदस्य हो गए, तो हमेशा अपनी संस्कृति और उसी समाज के मूल्यों को बहन करते हैं। यह सामान्य संस्कृत अधिगम के समान संदर्भों और समान संरचनाओं को मार्गदर्शित करती है।
बरसों से समाज के केंद्र में परिवार एक मौलिक सामाजिक संस्था हो चुका है। परिवार किसी भी समुदाय एवं समाज की एक मौलिक इकाई है जो व्यक्ति एवं समाज के बीच संस्था को जोड़ने का कार्य करता है। इसका लगभग विश्व भर में सार्वभौमिक अस्तित्व है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि आप कोई लेसन जब पढ़ते हैं तो उसमें एक ब्लॉक होता है और ब्लॉक के अंतर्गत यूनिट्स होती हैं, ठीक है ना। तो उस ब्लॉक का एक नाम होता है। यदि ब्लॉक में हम समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर ब्लॉक में भी यूनिट दी हुई है, 3 या 4 यूनिट दी हुई है, तो उस यूनिट में जो समाज के अंतर्गत चीजें आती हैं, परिवार आता है, शिक्षा आता है, धर्म आता है, राजनीति आता है, अर्थव्यवस्था आता है, तो वो हम पढ़ते हैं और तब जाके कहीं वो समाज यूनिट कंप्लीट होती है। और जब यूनिट कंप्लीट होती है यानी इकाई, तो हमारा ब्लॉक ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए समाज के अंतर्गत शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सभी संस्थाएं होती हैं, परिवार होता है, जो मिलके एकजुट होकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करते हैं। इसलिए कहा गया है कि परिवार के बगैर समाज नहीं बन सकता है। समाज एक एक परिवार को जोड़ के बनता है। आज एक परिवार है, फिर दूसरा परिवार, फिर तीसरा परिवार, जहाँ पे 4, 5, 10 परिवार एक साथ मिल जाते हैं वहीं पे समाज बन जाता है, ठीक है। इसलिए इसको मौलिक इकाई कहा गया है, क्योंकि बिना परिवार के समाज का उद्धार हो ही नहीं सकता है, समाज अस्तित्व में आ ही नहीं सकता है। और जो ये इकाई होती है यानी परिवार, ये व्यक्ति एवं समाज के बीच संस्था को जोड़ने का कार्य करती है। समाज जहाँ पे सब लोग एक साथ रहते हैं, व्यक्ति उन सब लोगों के एक साथ में रहने वाला एक अकेला पर्सन होता है। वो स्कूल जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो समाज से आके कहता है, और समाज जो यानी संस्था, स्कूल क्या हो गई, संस्था हो गई, जहाँ पे सब लोग रहते हैं वो समाज हो गया, उन समाज में एक रहने वाला व्यक्ति हो गया, और इन दोनों को जोड़ने वाला कौन होता है, संस्था और समाज को, परिवार होता है। तो ये जो परिवार है और ये आपका सामाजिक इकाई है, मौलिक इकाई है, विश्व भर में भी अस्तित्व में है, सभी जगह ही होता है। वैवाहिक बंधन को नियंत्रित करता है, उपभोग के लिए कम से कम एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य कर बहुत से कार्यों को व्यक्ति और समाज के लिए छोड़ देता है। तो परिवार का काम क्या होता है? परिवार का काम होता है, जैसे एक परिवार में माता पिता है, उनके माता पिता यदि हैं और बच्चे उनके हो रहे हैं, भाई बहन है, ये सब लोग रहते हैं, एक परिवार कहला जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, एक परिवार को चलाने के लिए खर्चे चाहिए होते हैं, यानी आर्थिक की बात यहाँ पे आ गई, पालन पोषण, पेट भरना, ठीक है। और वहीं पे फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी शादी ब्याह की भी चिंता होती है, तो यहाँ पे वैवाहिक स्थिति भी आ गई कि भाई हमें विवाह करना है। तो आदमी कहाँ जाता है इस चीज़ के लिए? समाज में ही तो जाता है। अभी तो परिवार है, मौलिक इकाई में हम जी रहे हैं, क्योंकि अभी जब तक हम खा पी रहे हैं मौलिक इकाई है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, जब बच्चों की शादी की बात चलती है, तो हम समाज के दायरे में आ जाते हैं। तो आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। परिवार को प्रथम विद्यालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा जो होता है सब कुछ सबसे पहले अपने कहाँ से सीखता है? विद्यालय से ही सीखता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का आपका वीडियो। इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अनअकैडमी में फॉलो कर लीजिए, वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, फेसबुक का जो पेज है वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।